कंधे पे बिठा के रोज स्कूल लाते थे, तो उसको पैसे भी देते थे खाने के लिए। तो वो जब नाइन्थ में पहुंचा तो वो बुरी संगत में पहुंच गया। तो उसके बाद उसने क्या किया, नशा करना शुरू किया। नशा करने के बाद क्या हुआ कि जब उसके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं बचे तो उसने अपने दादू जी से पैसे मांगे, तो उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो उस वक्त उसने क्या किया था, नशा किया हुआ था, उसने क्या किया कि उसने अपने दादी और दादू को नशे की हालत में दोनों को मार दिया। तो ये आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ है ना? वो कहाँ की वारदात है, वार्ड नंबर 17 की। तो क्या हुआ कि जिस आदमी ने उसको छोटे से बड़ा किया, लेकिन नशे की हालत में उसने क्या किया, उनका ही बंद कर दिया। तो ये चीज अच्छी है या बुरी है? तो इसलिए किसी भी देश की तरक्की जो है वो उनके युवाओं पर निर्भर करती है। तो आपने अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे अहदे पर पहुंचना है। देखो, जो आज का युवा है वो कल का भविष्य क्यों बताया गया है कि आज जो MLA है या MP है, जो ऑफिसर है, कल आप में से जो बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे अहदे पर पहुंचेंगे, ठीक है ना? अगर बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, जब नशे की हालत में रहेंगे, तो वो आगे कहाँ पहुंच पाएंगे, देश तरक्की कर पाएगा? तो जो बच्चा, जब कोई आदमी जो है वो नशा करता है तो नशे की हालत में वो सब कुछ भूल जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि उसके घर में क्लेश पड़ जाता है,